ये वाला चोरसू स्टेशन है, चोरसू बाज़ार में मैंने देख लिया, मैंने फ्रूट सलाह के लिए नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो चोरसू के बाद अब मैं जाऊँगा हाँ आलिशान हवाई करके। तो ये वाला स्टेशन है आलिशान हवाई, और इसमें देखोगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल स्टेशन है। इसमें उज्बेकिस्तान का कल्चर और रशियन कल्चर, जैसे रशियन कल्चर तो मेट्रो में है ही, और उज्बेकिस्तान का कल्चर भी आपको दिखता है। सो काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ से मुझे रेड लाइन के लिए चेंज करना है। पिछले वाले जो मेट्रो पे मैं शूट कर रहा था, तो एक पुलिस लेडी थी, उसने मुझे ना कह दिया कि नो शूटिंग। तो मैंने कहा कि नो शूटिंग किसकी, स्टेशन की तो अलाउड है आपकी। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी शूटिंग, आप मेरी क्लिप होता डिलीट कर दो। तो उन्होंने मेरी क्लिप देखी, और क्लिप में वो किस्मत से थी नहीं, इसलिए पूरी क्लिप वो पड़ी है, वो मैं शायद से डाल दूंगा। सो ऐसा कुछ स्टेशन है ये आलिशान हवाई करके एक पोइट था, उसके थीम के ऊपर बेस्ड है। सारी मेट्रो किसी न किसी के थीम के ऊपर बेस्ड है। शायद से ये एग्जिट है रेड लाइन की तरफ से, एक बार रेड लाइन देखता हूँ कहाँ पे है। यहाँ एंट्री है, एग्जिट है। हेलो, डू यू नो रेड लाइन, रेड लाइन मेट्रो रेड लाइन, रेड लाइन आई गेस, रेड चिलाजा, द रेड लाइन इज लॉन्ग लाइन इट्स लेफ्ट, ओके ओके खरोश इसका सीधा। तो ये रेड लाइन पता नहीं कैसे, पता नहीं ये रेड लाइन है, पर ये रेड लाइन ऐसा बोल रहे हैं। ये सब शाहवा दिव्या, तो ये बता रहे हैं, ये खुद कंफ्यूज है रेड लाइन कौन सी है, बट शायद से यही है, ये वाली रेड लाइन जो है सख्त को, तो ये है स्टेशन। सो ये वाली लाइन ही जाएगी आमेर तैमूर की तरफ, इधर लिखा हुआ है रेड लाइन। पता नहीं इतना कंफ्यूज क्यों है, यही तो है रेड लाइन। तो भाई मेट्रो से हम यहाँ पे आमिर तैमूर के स्क्वायर पे आ गए, और आते ही बारिश चालू हो गई एकदम से। सो मौसम पहले काफ़ी अच्छा था, पर ये बारिश थोड़ी सी बढ़ रही है ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखते हैं, सीधे जाते ही आमिर तैमूर है, काफ़ी हरा भरा एरिया है, ऐसा पार्क है जैसे अपने सेंट्रल पार्क हो, ऐसा पार्क टाइप बना रखा है इन्होंने, और इतनी हरियाली, बहुत बारिश में अलग ही मज़ा है। पर मेरे लिए हाँ वैसे मुझे भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस पूरा भीग ना जाऊँ तब तक मुझे चलेगा। और सामने है आमिर तैमूर की तैमूर स्क्वायर, ये पूरा आमिर तैमूर स्क्वायर ही है, और मेन उसकी जो स्टेचू है वो सामने की तरफ है। यार मैं मतलब इस तरफ चला गया, गलत आ गया, मैं मैप को फॉलो कर रहा था, और इस तरफ कंप्लीट रॉन्ग डायरेक्शन में मैं तीन दो तो नहीं, लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक चला गया हूँ उस तरफ, और वापस से इस तरफ जा रहा हूँ मैं तैमूर की तरफ। तो ये है, कभी ज़्यादा इतना ज़्यादा भी मैप पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं घर पे फ़ोन लगाया और बातें करते करते चल रहा हूँ बस, कि आ जाएगा तब रुक जाऊँगा यूँ, बट आया ही नहीं, आया ही नहीं। तो गाइस जो पीछे आप देख रहे हैं वो है यहाँ का कांग्रेस हॉल, काइंड ऑफ पार्लियामेंट कह सकते हैं आप, जो उज्बेकिस्तान का ऑफिशियल पार्लियामेंट है। सो काफ़ी हरा भरा है ये भी इसका इस पर शायद चलने की परमिशन नहीं है, काफ़ी हरा भरा और काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसे कैमरे में तो छोटा दिख रहा होगा, पर यहाँ पे फ्लैग हटा दिए हैं शायद से, जो से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग 10 poles हैं, और 10 pole पे फ्लैग नहीं है, उसका पता नहीं क्या कारण है। ये मैं इस पीछे की तरफ से आ रहा हूँ, ये पीछे की तरफ से मेन एंट्री शायद उस तरफ से, जो कि आमिर तैमूर को फेसिंग होगी। सो अभी उस तरफ भी जाऊंगा, यहाँ से सीधा लेके राइट उस तरफ जाऊंगा, ये इसकी मेन एंट्री है, काफ़ी खूबसूरत है, ओपन है, और पता नहीं यहाँ पे कुछ काम होता है कि नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पब्लिक नहीं, यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, आई गेस 3.37 करोड़ है पूरे उज्बेकिस्तान की, हाँ पूरे उज्बेकिस्तान की, ताशकंद की मैं पता नहीं श्योर नहीं हूँ, पर पूरे उज्बेकिस्तान की 3.37 करोड़ है, ये तो शायद अपने यूपी से भी कम होगी,
बहुत कम होगी यूपी से, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर काफ़ी खुला सा है जो कांग्रेस हॉल है, कोई भी अंदर घुस सकता है, ऐसा स्थिति है। फाइनली हम आ गए हैं आमेर तिमूर के स्क्वायर पे, उसके स्टेचू के पास। पीछे आप देख रहे हो होटल उज्बेकिस्तान, ये सोवियत टाइम की होटल है, काफ़ी पहले यूज़ की जाती थी, अभी भी चलती है, बहुत चलती है। सो हालांकि थोड़ी सी महंगी है, इसलिए थोड़ी क्या बहुत महंगी है मेरे लिए। तो ये है आमेर तिमूर का स्टेचू, काफ़ी हरा भरा एरिया है, यहाँ पे भी काफ़ी हरियाली कर रखी है इन्होंने। आमेर तिमूर के बारे में बता दूँ तो ये यहाँ का शासक था, यहाँ का आइडियल है, पर इसने मेडिटेरेनियन सी से लेकर के, अगर मैं राइट हूँ तो मेडिटेरेनियन सी से लगा के इंडिया, हाफ इंडिया दिल्ली तक इन्होंने कब्जा किया था, काफ़ी लोगों को भी मारा था, काफ़ी मतलब ये यहाँ के लिए आइडियल है, पर जैसे वो ये श्रीलंका में रावण आइडियल है, ऐसे ही ये यहाँ के लिए आइडियल है, पर इंडिया के लिए इनका कुछ खास इतिहास नहीं रहा था। उन्होंने काफ़ी कत्लेआम इंडिया में किया था और काफ़ी लाशें बिछाई थी, मतलब इनको, इनके बारे में कहते हैं कि सर लाशों के लाश, मतलब सर के पिलर बनाते थे ये, सर काट काट के, तो ये इतिहास रहा था, काफ़ी क्रूर भी माने जाते थे, पर इनके लिए हीरो ही है जो इनके लिए, मतलब जहाँ से इन्होंने चालू किया उज्बेकिस्तान से, जहाँ के रहने वाले थे वहाँ के लिए तो ये हीरो ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और एक टांग से वो लंगड़े थे, आप देख सकेंगे मैं अगर दिखा सकूँ तो, एक टांग से ये कम चलते थे, लंगड़े नहीं कह सकते, कम चलते थे। कहते हैं कि इन्होंने कुछ चोरी करने के लिए जा रहे थे और ये उस चक्कर में किसी ने पेड़ पे इन पे वार कर दिया, और मतलब इन्होंने शुरुआती इनकी जो जर्नी है वो चोरी से की थी, ये बाबर और उसके उनके खानदान से थे, उनके बेटे थे या कुछ थे, इतना मुझे डीप में पता नहीं है इनके बारे में, देख के बता दूंगा आपको। और यही है बस, आमेर तिमूर काफ़ी बड़ा है, मतलब दिख छोटा रहा होगा पर है काफ़ी बड़ा। असल एंट्री जो थी ना वो यहाँ से होती है, मैं पीछे से आया हूँ, यहाँ से मेन एंट्री थी, मैं पीछे से आया हूँ, अब सीट पे भी बैठ नहीं सकते, गीली हो गई है। तो ये है आमेर तिमूर का स्टेचू, पीछे उज्बेकिस्तान हॉस्टल है। स्ट्रेंथ इन जस्टिस ऐसा लिखा हुआ है। आमेर तिमूर मॉन्यूमेंट एंड स्क्वायर वर क्रिएटेड बाई 1993 बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटेड बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान एंड नमकनको। अच्छा, इसका मतलब जो सोवियत के बाद इनको उज्बेकिस्तान को आज़ादी मिली थी 1991 में, उसके बाद 1993 में जब इनका फर्स्ट प्रेसिडेंट जो नियुक्त हुए थे उन्होंने, सर इस्लाम करीमोव ने इस स्टेचू की नींव रखी थी और ये बनाया था इन्होंने। आमेर तिमूर स्ट्रेंथ इन जस्टिस, नीचे लिखा है स्ट्रेंथ इन जस्टिस, स्ट्रेंथ इस इन जस्टिस, पता नहीं क्या मतलब है इसका स्ट्रेंथ इन जस्टिस, पर ठीक है, आपको बताना था इसलिए मैं बता दिया। कौन से पैर से टकरे थे, दाएं पैर से लंगड़े थे यूँ कहते हैं। अभी मैं तिमूर के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ रहा था, तो मैंने पढ़ा कि तिमूर ने उस टाइम 17 मिलियन लोगों को मारा, 17 मिलियन या 1.7 मिलियन लोगों को, मैं एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ। सत्रह मिलियन मतलब 1,70,00,000, सो 1,70,00,000 लोगों को उसने मारा, तो वो लगभग वहाँ की तब विश्व की 5% जनसंख्या थी, तो इसलिए इसने काफ़ी लोगों को अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ तो क्या कह सकते हैं हालांकि, और इसका जो साम्राज्य था वो टर्की से चालू हुआ था, मेडिटेरेनियन से नहीं हुआ था, टर्की से चालू हुआ था और यहाँ इंडिया तक, दिल्ली तक था, दिल्ली तक इसने राज किया है। तो यही है। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी तिमूर के बारे में ये भी है कि इसकी कब्र पे लिखा हुआ था कि जो भी इस कब्र को खोलेगा, जब भी कोई इस कब्र को खोलेगा तब मुझसे भी बुरा कोई इंसान इस दुनिया में पैदा होगा। तो एक बार यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर जो पहले का रशिया था, सोवियत संघ, उन्होंने एक बार कुछ साइंटिस्ट वहाँ से आए और समरकंद में इनकी जो इन्होंने टॉम थी, उनकी कब्र थी, वो खोली, तो उसी दिन ही हिटलर ने रशिया पर हमला कर दिया। और फिर कहते हैं कि जब वापस इनको दफनाया गया तो रशिया जीतने लग गया, मतलब रशिया का जीतने का सिलसिला चालू हो गया हिटलर पे। तो यही है,
ऐसा मानते हैं स्टोरियाँ हैं, हो सकता है सच भी हो, सच ही होंगी हालांकि स्टोरियाँ। तो ये है तैमूर, आमिर तैमूर की कुछ कहानियाँ। हिंदी। सो अभी 4 बज गए, सुबह 3 बजे मैं यहाँ पे आया था इनके यहाँ। तो ये हैं लेखन भाई साहब, नमस्कार। इनको थोड़ी थोड़ी मतलब नमस्कार ही आ रहा है। सो 3 से 4 बजे हम बैठे थे, एक और लड़की थी, व्हाट्सएप नेम है दिल छोड़ा, दिल छोड़ा क्या? तो लड़की उनके साथ बैठे थे और टाइम कैसे निकला पता ही नहीं, बोला 4 घंटे निकल गए। सो अभी मैं जा रहा हूँ वापस हॉस्टल की तरफ और ये जा रहे हैं उनके यहाँ। सो गाइस अभी उस स्ट्रीट पे आ गया हूँ जिस पे मुझे आना था सुबह, मैं यहाँ तिमूर से देख के गया था ये स्ट्रीट, ये लाइटें। सो अभी लाइटें लग गई हैं, पता नहीं गोप्रो कितना बता पाएगा, पर आप एक बार देखो दिख रहा है क्या कुछ। अब इसके बाद प्रॉब्लम मैं हॉस्टल चला जाऊँगा, लाल बहादुर शास्त्री स्टेचू मेरा रह गया और कल मैं समरकंड भी निकलूँगा। हालाँकि कोई बात नहीं, 15 दिन बाद लगभग मैं वापस ताशकंद आऊँगा, फिर ताशकंद आके वो एक जो लाल बहादुर शास्त्री और एक चीज़ और रह गई है मेरी, वो जो दो चीज़ें हैं ना जो मेरे प्लान की थी वो दो चीज़ें देख लूँगा। तो ठीक है कोई नहीं, अभी आप स्ट्रीट के मजे लो। काइंड ऑफ 8 स्ट्रीट है, चारों तरफ खाने का है, ट्रैफिक पूरी तरह से बैन है यार। सो लोग चलते हैं, खाना खाते हैं, कुछ बॉक्सिंग वगैरह के वो लगे हुए हैं, बॉक्सिंग वगैरह ट्राई करनी है। वहाँ पे टेबल टेनिस लगा हुआ था। सो मतलब शांति स्ट्रीट है, आसपास गार्डन है, हरा भरा एरिया है। कुछ लोग मुझे वहाँ पे बुला रहे थे बॉक्सिंग करने के लिए, बट वो पैसों के लिए कर रहे थे बस। सो मैंने ना कह दिया भाई। यार बॉक्सिंग में थोड़ी मतलब उसको मारने का पैसा थोड़ी देंगे यार। करने वाले करते भी हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हीलियम पी के बोलते हैं ना, शादी वाले लाइटें लगा रखी हैं ऊपर मस्त। बचपन में मैं इसके लिए झगड़ा किया करता था, मुझे खेलना है और फोड़ना है मेले में, और घर वाले कोई एक चीज कर मेले में ले जाते थे तो बस 4-5 झूले लिख लिए ना सब में, नहीं किसी एक झूले में जाओ हम क्या, ठीक है। फिर हमको चूज़ करना पड़ता है कि सो जो सबसे बड़ा वाला होता ना, मैं मोस्टली वही चूज़ करता जो सबसे बड़ा ऊपर से ऊपर, जो साइड वाले उनमें कभी बैठने का मौका ही नहीं मिला। एक वो नाव थी ना वो सस्ती आती थी, उस नाव में हम एंड पे बैठा करते थे। देखो यहाँ के नज़ारे, ताशकंद सिटी का सेंटर। अभी एक स्टेशन पे हूँ जिसका नाम मुझे पढ़ने नहीं आ रहा, मिटाकनान वो ये करके कुछ स्टेशन है। सो ये काफ़ी ब्यूटीफुल स्टेशन है इसलिए आपको बता देता हूँ, झूमर वूमर लगाए रखे हैं पुराने टाइम। यहाँ से मुझे जाना है एलिशन वो ये करके स्टेशन है, वहाँ पे जाना है। तो देखता हूँ आपकी एंट्री कहाँ है, एलिशन वहाँ पे लिखा रहता है। Probably this line. नहीं, एलिशनर नोवाई नहीं जाना है मुझे, पक्षता कोर जाना है। ये वाली ट्रेन जाएगी, ये वाली ट्रेन ही जाएगी, चेक ट्रेन आ गई। थोड़ा सा इशू हो गया, जिस स्टेशन पे मैं आया था ना वहाँ से मुझे एक भाई साहब कहीं दूर ले गए। मैं उनको पूछ रहा एग्जिट क्या है, तो बोल रहे कि आप जहाँ से आए हो वहाँ पे जहाँ शायद ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एग्जिट नहीं है, और देखने फिर भी आप एक बार ट्राई कर लो। देखता हूँ एग्जिट तो होना चाहिए, ये लास्ट मेट्रो है, एग्जिट तो प्रोबेबली होना चाहिए, एक बार वहाँ पर जाकर ट्राई करता हूँ। तो मुझे अगले स्टेशन पर एग्जिट मान लूँगा, कोसमू बत्रा करके कुछ है, वहाँ पर एग्जिट मान लूँगा।